आपका व्यवहार, आपका कार्य, आपकी गतिविधियां आपके चरित्र को बनाती है। आपका चेहरा आपके चरित्र का दर्पण होता है। आप कैसे हो ये आपका चेहरा बताता है, और वो चेहरा कैसे बनता है, जैसा आप करते चले जाते हो वैसे आपका चेहरा होता चला जाता है। कोई बहुत भजनानंदी हो, बहुत ज्यादा भजन करने वाला हो, उसका चेहरा आप देखो तो वहां से ऐसा लगता है कि कोई नूर टपक रहा है। आपने देखा है कभी ऐसे महापुरुषों को जो बहुत भजनानंदी होते हैं? प्रधान जी के गुरु जी थे, है ना प्रधान जी, आपके गुरु जी महाराज ना, ऐसा लगता था कोई नूर टपक रहा है वहां से, कोई एक तेज टपक रहा है वहां से। और वहीं किसी क्रूर कर्मा को देखो, उसके चेहरे से ऐसा लगता कि अभी खा जाएगा। यानी आप ही अपने चेहरे के निर्माता हो। शरीर भगवान ने बना दिया लेकिन चेहरे का निर्माता कौन है? अरे बोल तो दो कौन है। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ये कथा नहीं है, ये आपकी व्यथा है। बोले बोले शंकर भगवान की। शरीर भगवान बनाता है, शरीर का निर्माता वो परमात्मा है, वो सृष्टिकर्ता इस शरीर का निर्माता है, लेकिन चेहरे के निर्माता आप स्वयं। एक मंदिर में भगवान कृष्ण के द्वारा कंस को मारे जाने वाला चित्र लगाने की एक योजना बनी। मंदिर कमेटी ने एक योजना की, कृष्ण मंदिर था, कि वहां पर ऐसा एक चित्र लगाया जाए जिसमें भगवान कंस को मार रहे हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया कि भैया तुम दोनों के ऐसा चित्र बनाओ। अब वो चित्रकार बहुत ही वास्तव में वो कलाकार था। उसने कहा कि मैं हूबहू कृष्ण बना दूंगा, हूबहू कंस बना दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हूबहू कृष्ण जैसा लगता है। अब भगवान कृष्ण ने जिस समय कंस को मारा था उस समय भगवान कृष्ण की 11 वर्ष की उम्र थी। कोई 11 वर्ष का लड़का लाओ जो भगवान कृष्ण के जैसा लगता हो, और कंस की उम्र का लगभग कोई ऐसा पुरुष लाओ जो कंस जैसा लगता हो, दुष्ट लगता हो, तो फिर मैं बहुत सुंदर बना लूं। ढूंढा गया तो एक बहुत सुंदर बालक, 11 वर्ष का बालक लगा, जिसके चेहरे से ऐसा लगता कि साक्षात ही कृष्ण है। कई बालक दिखाए, उसमें एक बालक पसंद आया जो बिल्कुल खूब हो कृष्ण जैसा लगता था, कृष्ण जैसा उसके अंदर गुणधर्म थे, तो वो प्रसन्न हो गया। उसने कृष्ण का बहुत सुंदर चित्र बनाया, लेकिन अभी चित्र पूरा नहीं हुआ। चित्र बहुत सुंदर बना, कमेटी वालों ने कहा कि बहुत अच्छा चित्र बनाया, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। अभी तो कंस का भी चित्र बनना है, तो उन्होंने कहा कंस के चित्र बनाने के लिए एक कंस जैसा व्यक्ति भी लेकर के आओ, तब जाकर के कंस का चित्र पूरा हो। अब कंस ढूंढने के लिए सब जगह प्रयास किया गया, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि कंस के चरित्र के लिए जितना क्रूर व्यक्ति चाहिए वो व्यक्ति वैसा मिल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वो क्रूरता नहीं झलक रही थी। बहुत समय गुजर गया, यहां तक कि 15 साल गुजर गए, और 15 साल तक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कंस जैसा लगता हो। तो कमेटी वालों ने कहा एक काम करो ना, क्यों ना जेल खाने में देख लें, क्योंकि जेल खाने में तो सभी दुष्ट व्यक्ति आते हैं, तो क्यों ना जेल खाने में देख लिया जाए। और उस चित्रकार को लेकर के वो जेल खाने गए। वहां पर जो दुर्दांत कैदी थे, जो दुष्ट कैदी थे, भयंकर जो कैदी बुरे कृत्य करके आए हुए थे, उन कैदियों को छांटा गया, और उन कैदियों में से एक कैदी उसको पसंद आया कि ये कंस जैसा लगता है, ये यदि बैठे तो मैं फिर कंस का चित्र बना सकता हूँ। और जो ही उसको कंस का चित्र बनाने के लिए सामने बैठाया, उसकी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। चित्रकार ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, मैं कोई तुम्हें मार थोड़ी नहीं रहा हूँ। कहा नहीं, तुम्हारे और किसी वजह से नहीं रो रहा हूँ, तुमको याद है आज से 15 वर्ष पहले तुमने एक कृष्ण के चित्र बनाया था, एक लड़के को देख करके तुमने कृष्ण का चित्र बनाया था, जानते हो वो लड़का कौन है? वो मैं ही हूं। 11 वर्ष पहले जो मेरा चेहरा कृष्ण जैसा लगता था, आज 15 वर्ष के बाद अब मेरा चेहरा कैसा लगता है? कंस जैसा लगता है। मतलब क्या है? आप स्वयं ही अपने चरित्र के निर्माता हो, अपने भविष्य के निर्माता हो,
चाहो तो आप कृष्ण बन सकते हो और चाहो तो आप कंस भी बन सकते हो।